नफरत है उसकी आंखों में। क्यों मेरी आंखों में इसके लिए नफरत नहीं नजर आती? धोखा, दोस्ती में धोखा मुकाबले माफी होते हैं, है ना? हाँ, फिर तो ये दुश्मनी बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे साथ। ये शाइस्ता किधर है? कल से नजर नहीं आई। इधर ही तो है दादी, उसने कहाँ जाने? पूरे दो पराठे खाए मैंने। खा लिए ना, अब तुमसे भागा नहीं जाएगा। ओ मना, ये पराठे काका के इतनी दूर दूर तक भागती रही हूँ मैं। जब तुम भाग रही थी ना तो ये तुम्हें बददुआएं दे रही थी, तुम गिर जाओ, टोकर लगे तुम्हें और तुम अपना राउंड पूरा ना कर सको। मैडम आप एक मिनट लेट हैं। आईडी नंबर 5, ऑन योर मार्क्स गो। Not in time. Please join your group. ID number 6. You will be the next one. मैं फेल हो गई। कोई बात नहीं। अगली बार अच्छे से दे देना। Next, ID number 13. On the line, go. Well done, madam, in time. ID number 14. Ready to go? बेईमानी की इन्होंने मेरे साथ। देर से सीटी बजाई है। सही तो भाग रही थी मैं। मेरा टाइम भी गलत नोट किया है। ये जो जीटीओ है ना, जब मैंने लाइन क्रॉस किया पता है, ये देख भी नहीं रहा था। नहीं, यहाँ कोई बेईमानी नहीं करता। तुम्हें पता है, अगर इन्होंने मुझे फेल किया ना, मैंने नहीं मानना। Thank you.
खाने को है? मेरे पास कहाँ से होनी है? बहुत भूख लगी है। तुम और करो तुम्हारी वो इंटरमीडिएट फास्टिंग। मैंने कहा था ना नाश्ता करके आना मैदान में। अच्छा पानी तो दो। नहीं, बेहोश हो गई? नहीं, थोड़ी देर बाद होंगी। अच्छा फिर बता देना, शॉट डालना है मैंने। सर उस दीवार पे चढ़ना कैसे है? सर वो हाथ नहीं पहुंच रहा। मैडम क्या ख्याल है, क्रेन ना मंगवा दें आपको? टूट गया। मैडम को टांग टूटी है? नहीं। को हड्डी टूटी है? नहीं। तो फिर अगले टास्क के लिए तैयार हो। सुनो इसमें से कांटा निकाल दो यार। कहाँ है कांटा? ये इसकी पोर पर है। नजर तो नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा लेकिन महसूस हो रहा है कुछ चुभा हुआ है। मैडम कब से आपको अगले टास्क के लिए बुला रहे हैं, आप लोग क्या कर रही हैं? सर मैं इनका कांटा निकाल रही हूँ। कहाँ है कांटा? सर नजर नहीं आता लेकिन महसूस होता है। मैडम जिन कैंडिडेट्स को कांटे चुभते हैं और वो अपनी उंगली पकड़ कर बैठ जाती हैं उनके लिए फौज में कोई जगह नहीं है। आईडी नंबर 5 आप जाकर अगले टास्क के लिए जगह लें। जी सर।
क्या कर रही हो? मम्मी ने हर चीज के लिए वजीफा दिया था ना, वही कर रही हूँ। देखना इतनी आसानी से पार कर लूंगी, लेकिन मैं इस पे चढ़ूंगी कैसे? गुड लक। सर मैं इस पे नहीं चढ़ सकती। क्यों? सर मुझे हाई फोबिया है। आर्मी में फोबिया वगैरह कुछ नहीं होता। आप आर्मी में कमीशन के लिए अप्लाई कर रही हैं और आपको हाइट से डर लगता है। चले ट्राई करें। मैडम जल्दी करें, इतना वक्त नहीं है। सबसे बड़ा इम्तिहान तुम्हारा ऊंचाई के खौफ पर काबू पाना है राबिया। सोच लो कोई ऊंचाई है ही नहीं, सब जमीन है, सब नीचे है। ये तो गए। क्यों? इसे नहीं चढ़ा जाना। इसे चढ़ जाएगी, जब हम सब चढ़ के कूद गए भी कर लेगी। इसको हाइट से डर लगता है। Daniel bhai, I can do it. I can do it. कोई ऊंचाई है ही नहीं, सब नीचे। कोई ऊंचाई है ही नहीं, सब नीचे है। सब कुछ नीचे है, कोई भी ऊंचाई नहीं। मैडम इसे नीचे उतरना था, आप गिर गई। तो कोई खुशी से तो नहीं गिरी मैं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं नहीं कर सकती, मुझे हाइट फोबिया है। मैंने कहा था ये नहीं कर सकती। All right ladies, your next task is called command task. As the name suggests, this is the task of your commanding abilities. You have to command your group. Everybody will be given a fair chance to be a commander. At a time, there'll be one commander. She has the right to choose her companions from any group. At a time, 6 persons will be acting on the task. 1 will be the commander and 5 will be her companions. In commander, you have the prerogative to choose any of your 5 companions from the group. So who wants to be the first commander? All right, we'll have ID number 12 as the first commander. ID number 12, step forward. Come towards me. Rest of the group, go and stand in the shed. Are you ready for the task? Yes, sir. Let's go to the task.
All right, Commander. This is your task. This is your material. This green pipe is the starting point of your task, and the green pipe on the other side is the finishing point of your task. The ground between these two pipes is out of bound for you. Anything that is raised from the ground and is not in red color is inbound for you and your material. The red and white strips are inbound for your material only. You have to cross the finishing line with your women and material. You are not allowed to jump or throw anything as for now. Any question? No, sir. Sir, I'm ready. You ready? Ready, sir. Then call the group. Group Alpha, come here. You are my deputy. Sir, इसको क्या बनाऊं? Ma'am, English please. Sir, which appointment I give her? Ma'am, I think you are the commander and you have to decide. Make me the carrier. Okay, you are the carrier. What do I carry? This drum. Okay. Okay, Group Alpha. Now we have to complete this task. Okay, let's go. So this is my starting point, and that's the finishing line as given by the GTO. Let's go. Okay, you pick this. Any foul being committed? Yes, I have, sir. Sir, I can't stand. Commander Sahiba, your woman is down. She is in the enemy area. तेरी बेटी भाग गई है। मैं कहती थी ना कि मुझे 3-4 दिन से उसकी आवाज नहीं आई। कामिल भाई, अबू आपको और शाइस्ता बाजी को कत्ल करने के लिए गए हैं यहाँ से। अम्मी, अब कैप्टन बनूंगी मैं।
मुझे बहुत दुख हुआ, तुम्हें बहुत चोट लगी है, अब तो ये लोग निकाल देंगे ना तुम्हें। क्यों निकालेंगे? सारे टेस्ट अच्छे दिए हैं मैंने। और परिवेश तुम इतनी नेगेटिव क्यों हो जाती हो? नहीं, वो मुझे जरा, और मुझे जरा सोने दो, आराम करना चाहती हूँ मैं। नाखून मेरे टूट गए सारे, घुटने मेरे छिले, कहां कहां स्क्रैचेस भी आ गए हैं, हाथों पे, पाँव पे, बाजू। तो नहीं क्या क्या होगा मेरे साथ। तुम्हें क्या लगता है, क्वालिफाई कर लूंगी मैं, सिलेक्ट हो जाऊंगी? हाँ हो जाओगी। हाँ लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मैं नहीं होऊंगी। एक एक हड्डी टूट रही है मेरे जिस्म की। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? कुछ खास नहीं। तुम तो लोहे की बनी हो, तुम्हें तो वंडर वुमन होना चाहिए था। आप कहाँ रहती हैं? मैं लाहौर से हूँ। इस्लामाबाद में? सिब्बी बलोचिस्तान। इस्लामाबाद में? पिशावर के पास। ताल्लुक कहाँ से आपका? लाहौर में पैदा हुई हूँ और लाहौर से ही ताल्लुक है। इस्लामाबाद में रहते हैं लेकिन कराची से ताल्लुक है। ताल्लुक मेरा सिब्बी से ही है लेकिन स्कॉलरशिप पर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ। मेरे ख़ानदान का ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है लेकिन कुछ अरसे से हम पिशावर के पास रहते हैं। मेरी मदर ब्रिटिश कश्मीरी हैं और मेरे फादर कनेडियन पठान, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल पाकिस्तान की नेशनलिटी। ये फ़िलहाल से आपकी क्या मुराद है? अगर मुझे फ़ौज में कमीशन ना मिला तो मैं कनाडा चली जाऊंगी। सो रबिया सफ़ीर, व्हाट डज योर फादर डू? रिटायर्ड करने हैं। वो स्कूल में म्यूज़िक टीचर हैं। वो मजदूर हैं, काश्तकारी। वेरी नाइस। वो बिल्डर हैं, पाकिस्तान के चंद बड़े बिल्डर्स में से एक। ओह अच्छा, और आपकी एजुकेशन? मैंने लॉ पढ़ा है, लंदन स्कूल ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट से। दैट इज़ वेरी नाइस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है मैंने नासिक से। इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया है मैंने। इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया है मैंने। मीडिया साइंसेज में मास्टर्स किया हुआ है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? आई थिंक केयरिंग हूँ, हमदर्द हूँ, दलेर हूँ, ऑनेस्ट हूँ, मैं जेनरस हूँ। और आपकी सबसे बड़ी खामी? इनडिसिप्लिन्ड हूँ, किसी से कुछ शेयर नहीं करती, गुस्सा करती हूँ। मुझे ज़्यादा भीड़ में घबराहट होती है, लोगों का सामना नहीं कर पाती मैं। एतमाद कर लेती हूँ गलत लोगों पर। अच्छा चलें, ये बताएं आपकी हॉबी क्या है? पेंटिंग करती हूँ और स्केचिंग भी। बेकिंग करती हूँ। शूटिंग का शौक है मुझे। सर मैं गाती हूँ चर्च कॉल में। मेकअप का शौक है मुझे। ये कैसी एक्टिविटी है?
बहुत हेल्थी एक्टिविटी है। अगर आप कैनवस पे पेंटिंग कर सकते हैं तो चेहरे पे मेकअप क्यों नहीं कर सकते? व्हाट्स द डिफरेंस? ओके, मुझे ये बताइएगा कि आपका आइडियल कौन है? मेरा भाई, मैं बस इंस्पायर्ड हूँ उनसे। कोई नहीं, मेरे बाबा, मेरी अम्मा, मेरा कुत्ता बर्फी। कुत्ता क्यों? Because he has so many qualities that humans don't have. For example? Loyalty. And? And obedience and patience and bravery and resilience, warmth, and he's really cute. So, don't you think that humans have these qualities as well? No. अच्छा चलिए मुझे ये बताइएगा कि आपको डर किस चीज़ से लगता है? मेरा लगेज गुम होने से, अगर उसके अंदर मेरा मेकअप बॉक्स हो तो। किसी के छिन जाने से, फेल हो जाने से, शादी से, चूहे से। चूहा क्या मौत से बढ़के है? मौत को देखा नहीं सर, चूहे को देखा। हमें आपको क्यों सेलेक्ट करना चाहिए? क्योंकि मेरा आईक्यू लेवल बहुत हाई है, क्योंकि मैं अपने कबीले की पहली लड़की होंगी जो फौज में आएगी, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सूटेबल हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है सर, क्योंकि आई थिंक आर्मी को इमेज बिल्डिंग की जरूरत है। वो आप कैसे करेंगी? ग्लैमर ऐड करके। रियली? यस। अच्छा ये बताइए कि अगर आपकी सिलेक्शन ना हुई तो फिर आप क्या करेंगी? गुड क्वेश्चन। क्यों नहीं होगी? मैंने तो एक एक टेस्ट बिल्कुल सही दिया है। दोबारा एसएसपी की तैयारी करूंगी। पता नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। फिर मैं कनाडा चली जाऊंगी। कहाँ है शाइस्ता? अबू ताया के घर गई है। तीन दिन से मैं यही बात सुन रहा हूं, ताया के घर गई है, फूफी के घर गई है, मामू के घर गई है कहाँ वो? अबू पूछ इसे। मैं बता रही थी ना तुम्हें, तीन दिन से मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी, वो घर पे नहीं है। कहाँ है शाइस्ता? वो ISSB के लिए गई है। आपसे कई मर्तबा पूछा लेकिन आपने इजाजत नहीं दी। कहाँ गई है? दादी फौज में भर्ती होने गई है, 4-5 दिन में वापस आ जाएगी। हाय मूसा, तेरी बेटी भाग गई है। मैं कहती थी ना कि मुझे 3-4 दिन से उसकी आवाज नहीं आई, भाग गई वो। और ये जो कलंकर आए हैं ना, ये झूठ बोलती हैं, बहाने बना रही हैं कि वो घर पे नहीं है घर पे। मैं गोली मार दूंगा उसको, मैं इस घर में आने नहीं दूंगा उसको। अबू वो अकेली नहीं गई, कामिल भाई भी साथ गए उनके। मैं कामिल को भी गोली मारूंगा, सुन लिया तुम लोगों ने? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ कामिल कहाँ हो तुम? कुछ काम है चाचा। हाँ काम है। मैं तो शहर से बाहर हूँ। तुम जिस शहर में हो मैं भी उसी शहर में हूँ, किधर हो तुम? आप गुजरांवाला में? हाँ। हाँ गोल। कामिल भाई अबू आपको और शाइस्ता बाजी को कत्ल करने के लिए गए यहाँ से। कुछ नहीं होता, फिक्र मत करो और घर में भी सबसे कह दो। बस आपको उनसे नहीं मिलना। क्यों ना मिलूं? मैं कह रही हूँ ना आपको।
असलम चाचा। ये क्या है? ये पिस्तौल है, अगर आप कत्ल करना चाहो तो कर सकते हो। बेगैरत इंसान, तू मेरा दामाद बनने जा रहा था, ये क्या हरकत की है तुमने? एक इम्तिहानी की तो बात है चाचा, दे देने दो। मैंने उसे नहीं पढ़ाया, आपने ही 16 जमातें करवाई हैं, तो ये भी करने दो। फौज में जाएगी, कमीशन मिलेगा, अफसर बनेगी, ये हो ही नहीं सकता। जो काम हमारे गांवों के लोगों ने नहीं किया, हमारे खानदान वालों ने नहीं किया, वो एक लड़की करेगी? मौका दे दिए ना, अगर नहीं कर पाएगी तो घर बैठ जाएगी। ये तो नहीं बोलेगी कि मौका मिलता तो मैं ये कर लेती वो कर लेती। चाचा अगर मारना है ना तो हमको मारना, पर शास्ता को कुछ मत कहना। आपने बेटियों को उंगली तक नहीं लगाई, अब जान कैसे लोगी उनकी? लेडीज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल हु हैव बीन रिकमेंडेड बाय ISSB फॉर सिलेक्शन इन पाकिस्तान आर्मी। However, the final merit will be made at General Headquarters in Pindi. Now, I will hand over to you your recommendation and medical letters as per the dates mentioned in your medical letter. अब्बा, मेरा फौज में सिलेक्शन हो गया है। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो?
तुमने मुझ पे तंज बरसाने शुरू कर दिए। नहीं नहीं, मैं समझ सकती हूं, मुझे पता है कि क्यों मेरे सामने बात नहीं कर सकते ना अपने रिश्तेदारों के सामने। अच्छा बस बस बहुत हो गई, तुमसे बहस का कोई फायदा नहीं है। तुम तो तुम कब आई? अभी। ISSB कैसा रहा? घर से बहुत अच्छा। कैसे? शायद पास हो गई है। क्या फौज ने वाकई उसे चुन लिया है? बूढ़े खाना ने, तुमको यकीन क्यों नहीं आता है? अगर पढ़ा होता ना तुम तो खत खुद पढ़ लेता तुम। अम्मी, अब कैप्टन बनूंगी मैं। अफसर बनने जा रही हूँ।